वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां, इन दोनों के बीच का झगड़ा पिछले काफी समय से सुर्खियों में है। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी की चैट के स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल करके सबको हैरान कर दिया था। हसीन ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए और साथ ही उन पर बेवफाई के आरोप भी लगाए। उन्होंने शमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अब शमी की मुश्किलें और भी बढ़ गई है क्योंकि उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। 15 दिनों के भीतर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। शमी वेस्टइंडीज के दौरे पर टीम इंडिया के साथ गए हैं, वहीं इंडिया में ही उनकी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। क्या है हसीन जहां और मोहम्मद शमी के झगड़े की ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। शमी के खिलाफ अब जो गिरफ्तारी वारंट निकला है वो घरेलू हिंसा आईपीसी सेक्शन 498 और यौन हिंसा आईपीसी सेक्शन 354A के तहत आरोप पत्र दायर होने के 6 महीने बाद आया है। ये वारंट एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट सुभद्रा मुखर्जी ने उस केस के आधार पर जारी किया है जो कि हसीन जहां ने शमी और उनके भाई के खिलाफ दायर किया है। कोर्ट ने शमी को 15 दिनों के अंदर ही सरेंडर करने के लिए कहा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान शमी के कोर्ट में पेश ना होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू किया गया है। शमी फिलहाल वेस्टइंडीज के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ है। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ये स्पष्ट कर दिया कि गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि वो चार्जशीट नहीं देख लेते। INS से बात करते हुए BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि अभी कोई कार्रवाई करना जल्दबाजी होगी, मामले की चार्जशीट देखने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है। वहीं हसीन जहां ने कहा कि शमी को BCCI और कुछ बड़े क्रिकेटरों का साथ मिल रहा है, इसी के चलते वो गलती नहीं मान रहे, लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अब हम आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं और ये भी बताते हैं कि मोहम्मद शमी और हसीन जहां का झगड़ा हुआ क्यों था। मोहम्मद शमी ने 6 जून 2014 को कोलकाता की मॉडल हसीन जहां से शादी की थी। हसीन जहां की ये दूसरी शादी थी। शमी और हसीन को 17 जुलाई 2015 को एक बेटी भी पैदा हुई। सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन दोनों के बीच में अनबन की बातें सामने आने लगती है। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई फोटोज शेयर करते हुए अपने पति पर कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए थे। हसीन ने शमी और उन लड़कियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। एक फोटो में शमी किसी महिला के साथ खड़े दिख रहे थे। हसीन ने उस महिला को शमी की गर्लफ्रेंड बताया था। इसी साल 28 अप्रैल को जब हसीन अपनी बेटी और मेड के साथ अमरोहा स्थित अपने ससुराल पहुंची थी तो उनके ससुराल वालों से भी कहा सुनी हो गई। इस बीच आरोप लगा कि आधी रात को ही अमरोहा के डिडोली थाने की पुलिस शमी के घर से हसीन जहां, उनकी बेटी और उनकी मेड को जबरन उठाकर थाने ले गई, जिसके बाद हसीन ने आधी रात को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कहा कि ये सब उनके पति मोहम्मद शमी के इशारे पर हो रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस कर्मियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था। इतना ही नहीं, हसीन ने शमी पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगाए थे। हालांकि BCCI ने जांच के बाद शमी को क्लीन चिट दे दी थी। हसीन और शमी के इस झगड़े के बाद से ही दोनों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। मोहम्मद शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद हसीन जहां ने न्यायपालिका का धन्यवाद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी भरोसा जताया। एक टीवी चैनल में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अगर साथ नहीं देती तो वो कभी भी ये सब नहीं कर पाती। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद हसीन ने ये भी कहा कि आसाराम बापू और राम रहीम भी अपनी करतूतों के लिए कानून से नहीं बच पाए तो फिर उनके सामने शमी क्या है। अपने बयान में हसीन जहां ने कहा कि मैं एक साल से इंसाफ के लिए लड़ रही हूं। आप सभी जानते हैं शमी सोचते हैं
कि वो बहुत ताकतवर हैं क्योंकि वो बड़े क्रिकेटर हैं। मुझे न्यायपालिका और ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। तो ये थी हसीन जहां और मोहम्मद शमी के झगड़े की पूरी राम कहानी। मोहम्मद शमी फिलहाल विदेश में हैं। अब देखना ये है कि जब वो वापस आते हैं तो इस मामले में आगे क्या होता है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो जनसत्ता आपको बताता रहेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और हाँ, इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।